कि वो चाह रहे हैं कि जो विरासत हो वो सिविल लॉ के हिसाब से हो, इक्वल एक्सेप्शन हो, जिसको हमारे पास कुरान में इसका सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन है, हम वही फॉलो करेंगे, उसमें हम सिविल लॉ फॉलो नहीं कर सकते। ये लोग ये सोचते हैं कि मुसलमान हुकूमतों को बुलाकर और एक पॉजिटिव वे उनको बताकर और इस तरीके की चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनकी गलती है। ऐसा हिंदुस्तान के मुसलमान होने नहीं देंगे, चाहे किसी भी कंट्री का साथ लें। देखिए, अगर इसको ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया और जबरन इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो जाहिर है हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। ये जो QR कोड लगे हैं, ये लोगों को रेडी मटेरियल दिया गया है ताकि आसानी से लोग उसको पढ़ सके। जो लोग उसमें हिस्सा लेना चाहे, अपना सजेशन देना चाहे, उनके लिए मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मुस्लिम पर्सन आपको इस इशू को लेकर काफी सरगर्म है, लिहाजा इंतजार कीजिए। मुस्लिम पर्सन बोर्ड ने UCC के कानून के खिलाफ जो उनकी मुहिम है बहुत ज्यादा तेज कर दी है। हर मस्जिदों के बाहर QR कोड लगाया जा रहा है। मुंबई के अलग अलग इलाकों के अंदर QR कोड के जरिए जो एहतजाज है वो दर्ज किया जा रहा है। मुस्लिम पर्सन बोर्ड का साफ तौर पे कहना है कि UCC कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड वो हिंदुस्तान को जो की जरूरत नहीं है, जिसकी मुखालफत लगातार करते हुए आ रहे हैं। कुछ दिन पहले खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब मुंबई आए हुए थे। मुंबई के अंदर आके उन्होंने अलग अलग लोगों से मीटिंग करी, चाहे उलमा इकराम हो या अलग अलग मजहब के तबके के जो लोग हैं उनसे मीटिंग करी, और उनका ये कहना था कि UCC कानून जो मजहब है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उनको इफेक्ट करता है। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम जो तबके हैं, चाहे दलित हो, ट्राइबल हो, आदिवासी हो, क्रिश्चन हो, ये तमाम लोगों को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता हुआ नजर आएगा। आज मुस्लिम पर्सन बोर्ड का एक डेलीगेशन अंदाजा ढोलो से मिला और उनका ये कहना था कि UCC का जो कानून का ड्राफ्ट आने वाला है उसकी मुखालफत में जो मुस्लिम पर्सन बोर्ड है, इसके लिए आप कहीं ना कहीं समर्थन करें। उनका UCC का कानून है, उसके पहले सरकार को चाहिए कि मुसलमानों के और तमाम तंजीमों के साथ डेलीगेशन कर ले, डायलॉग कर ले। डायलॉग करने के बाद ही कहीं ना कहीं जो कानून के अंदर इसके अंदर रद्दमल लाया जाए। UCC कानून को लेके तमाम हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम पर्सन बोर्ड एक मुहिम चलाए हुए है, अलग अलग इलाकों के हिंदुस्तान के QR कोड के जरिए एहतजाज दर्ज कराया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में नाफिज होता है कि नहीं होता है। हालांकि इससे तमाम जो तबके के लोग हैं उनको ये कानून इफेक्ट करता हुआ नजर आएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 से पहले जो BJP का एजेंडा है वो कितना कामयाब होता है। हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की तरफ से सभी मसलक के लोगों को लेकर, जमात इस्लामी वाले थे, अहले हदीस वाले थे, शिया लोग थे, शिया आलिम साहब थे, उन सबको लेकर हम बरेली हजरात थे, हम सारे लीडर्स से, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, जितने भी मजहब के बड़े लोग हैं, सिख लीडर हैं, पास्ट लीडर, सभी से हम मुलाकात कर रहे हैं। अठावले साहब से जो मीटिंग थी वो उसी का एक हिस्सा था। अठावले साहब ने हमसे बहुत अच्छे से तफसील से पूरी बात सुनी। हमारी बात को उन्होंने इस बात पर तरजीह दी कि किसी भी मसलक में हुकूमत अगर कोई कानून बनाना चाह रही है, कोई कोई तरमीम करना चाह रही है, तो उस मसलक के लोगों से, उस मजहब के लोगों से, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों से बैठकर एक पहले डायलॉग होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। इस बात को उन्होंने माना और उन्होंने हमको एश्योर किया कि ये बात वो आगे पहुँचाएं। सऊदी हुकूमत से अजीत डोभाल से जो मुलाकात हुई है, तो UCC को लेकर क्या हिंदुस्तान के अंदर माहौल बनाया जा रहा है गल्फ कंट्री को भी लेके? देखिए, अगर ये लोग ये सोचते हैं कि मुसलमान हुकूमतों को बुलाकर और एक पॉजिटिव वे उनको बताकर और इस तरीके की चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनकी गलती है। बजाई तो यही बता रही है कि वो डिप्लोमेटिक विजिट थी, लेकिन अगर ये इस तरीके का माहौल बना रहा है, जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं और फ्रांस से वापसी में दुबई रुकना चाह रहे हैं, तो मुस्लिम कंट्रीज़ को अगर वो गुड फेथ में लेकर UCC के जरिए अगर शरीयत में मुदाखलत करने की सोच रहे हैं तो ये उनकी गलती है। ऐसा हिंदुस्तान के मुसलमान होने नहीं देंगे, चाहे किसी भी कंट्री का साथ ले लें। सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर है, तो कितना इफेक्ट करता है ये, और ये हिंदुस्तान की मुसलमानों को आप क्या मतलब कहना चाहेंगे? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास सीधा सीधा कुरान में उसका हुक्म है, जिसकी ये जैसे विरासत का मसला है, ये चाह रहे हैं कि विरासत एक जैसी हो जाए। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए दावे से बोल रहा हूँ कि उत्तराखंड के ड्राफ्ट में ये चीज़ मौजूद है कि वो चाह रहे हैं कि जो विरासत हो वो सिविल लॉ के हिसाब से हो, इक्वल एक्सेप्शन हो, जिसको हमारे पास कुरान में इसका सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन है, हम वही फॉलो करेंगे, उसमें हम सिविल लॉ फॉलो नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे वो मुदाखलत सीधा शरीयत में है। यही वजह है कि बोर्ड भी मुखालफत कर रहा है और बोर्ड चाह रहा है कि आम मुसलमान भी उसकी मुखालफत करे। लेकिन एक बात ये तो जहन में रखनी चाहिए कि सिर्फ मुसलमान नहीं, बहुत सी कम्युनिटी से इफेक्टेड है, ये सारी चीज़ें आस्ते आस्ते सामने आएंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ये चाहता है
कि अभी जो लॉ कमीशन ने हमसे सजेशंस मांगे हैं, हमसे मशवरे मांगे हैं इसके यूसीसी के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, उसकी मुखालिफत को ये जो क्यूआर कोड लगे हैं, ये लोगों को रेडी मटेरियल दिया गया है ताकि आसानी से लोग उसको पढ़ सके, एक अवेयरनेस भी हो जाए, लोगों को पता चले, काफ़ी लोगों को पता नहीं यूसीसी क्या है और इसके लिए आगे क्या करना है। बोर्ड इसका अवेयरनेस भी कर रहा है और जो लोग उसमें हिस्सा लेना चाहे, अपना सजेशन देना चाहे, उनके लिए मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है ताकि इंस्टेंटली उस पर अपना मेल डाल के अपनी मुखालिफत दर्ज कर सकते। यूसीसी का ड्राफ्ट अभी तक आया नहीं और आप लोग मुखालिफत कर रहे हैं इसमें? यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं आया, लेकिन जो जाहिरी तौर से जो हम देख रहे हैं, जैसे अभी उत्तराखंड का ड्राफ्ट है या दूसरे 2018 में जो लॉ कमीशन ने जो ड्राफ्ट निकाला था इस पर ओपिनियन दिया था, उसमें अक्सर ये देखा गया कि सीधी सीधी मुदाखलत है शरीयत में और ना सिर्फ मुस्लिम शरीयत में। आप यूसीसी को जो पुराने ड्राफ्ट पढ़ेंगे 2018 के या उत्तराखंड का ड्राफ्ट पढ़ेंगे तो लगेगा कि इससे बहुत सारी कम्युनिटी पे इफेक्ट हो रही है। अब चूंकि मुसलमानों में बेदारी है तो वो उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे पास सिखों का, पारसियों का, काफ़ी लोगों का, ईसाइयों का, सबका ड्राफ्ट मौजूद है जो उसमें अपने आप को एग्जम्पशन मांग रहे हैं। अब अगर एग्जम्पशन मिल गया उनको तो उनका नसीब अदा, वही वो भी हमारे साथ इसी तरह खड़े रहेंगे। आने वाले वक्त के अंदर राजनीति जो है 2024 की ऐसी ही चलेगी, यही चलेगी, यूसीसी को लेके ही चलेगी और ये उसी का एजेंडा है मेरे ख्याल से। तो बस वो इसको ये लोग कब इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने में ड्यू प्रोसेस फॉलो होगा कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हुकूमत उसको करेगी कि नहीं या जबरन उसको इम्प्लीमेंट कर देगी, आगे कानूनी लड़ाई भी वगैरह कर होगी। अगर इसको ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया और जबरन इसको इम्प्लीमेंट करा गया तो जाहिर है हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। क्या आपको कानूनी लड़ाई लड़ने से सरकार से, क्योंकि सरकार मुसलमानों की बात कर रही है, आजकल मुसलमानों के सम्मेलन हो रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं सरकार? अगर ये वाकई में कोई चीज़ को लेकर सीरियस है, किसी भी मतलब को, मुसलमानी किसी भी मतलब को लेकर सीरियस है, तो सरकार उनके जाती मजहब में दखल करने से पहले उनसे एक बार डायलॉग करना चाहिए, उसके बाद उस पर उनको डिसीजन लेना चाहिए। इसी बातों से नहीं चलेगा ना, अगर सरकार वाकई में किसी भी मतलब को लेकर, मुसलमानों को लेकर, ईसाइयों को लेकर सीरियस है, एक बार उसे डायलॉग कर ले, उनसे बात कर ले, उनकी परेशानियां सुन ले, उनके सजेशंस ले ले, फिर अपना फैसला सुन ले। आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफ़ी गुफ्तगू की जा रही है और अक्लियतें इस मसले में फिक्रमंद हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जारी हो गया तो फिर हमारे मजहबी मसाइल किस तरह से हल होंगे। मैं इस बात को आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हुकूमत ने ड्राफ्ट नहीं जाहिर किया है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा अभी तक इस मसले को सामने नहीं रखा गया है और ना इसका कोई ड्राफ्ट हमारे सामने आया है कि जिसको हम देखें और देखने के बाद करें। इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला बहुत ही पेचीदा मसला है, इसलिए कि अकलियतों में जो मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले हैं उनके मजहबी रसूमात या अहकाम जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है आपके इस माध्यम से कि जो अकलियत के मेम्बरान हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और हमें ख़ासकर मुसलमानों को इस बात का इंतज़ार करना चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस सिलसिले में क्या मशवरा देता है, उनकी क्या राय है, इसलिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस इशू को लेकर काफ़ी सरगर्म अमल है। लिहाजा इंतज़ार कीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले का या उनके इशारात का या जो तजावीज़ उनकी आए उस लिहाज से फिर अमल किया जाएगा। मेरी फिर गुजारिश है आप हजरात से कि आप बिल्कुल इस सिलसिले में पैनिक ना हों, इमोशनल ना हों, बल्कि फिक्र व फहम से काम लीजिए और इंशाअल्लाह मसला किसी न किसी सूरत से